السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كذب الفؤاد ما رأى، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا. تمام تعريفات حمد الثناء شكر وذكر اسم مالك الكائنات خالق الكائنات. اللہ رب العزت کے لیے، جس کے لیے ساری مدحتیں، ساری حمدیں ہیں، ساری ثنائیں، اور اس کے پیارے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، آپ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، ازواج مطہرات، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین و اولیاء عظام پر تا صبح قیامت اللہ کے درود و سلام نازل ہوں۔ شکر ہے اللہ پاک کا، احسان عظیم ہے اس عظیم پاک پروردگار کا، جس نے اپنے فضل و کرم اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے تصدق، بزرگان دین کے تبصر، ہم تمام کو اس فضیلت والے محترم مکرم معظم مہینے کے دوسرے اشرے کے، یعنی اخیر اخیر ایام، ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کرنے، سننے، سنانے کے لیے جمع ہونے کی توفیق بخشی، الحمدللہ۔ اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین۔ بعد حمد و ثنا، شکر دعا، ہمارے آج کے درس کی نشست کے عنوان کی جانب آتے ہیں۔ جیسا کہ رمضان کے اس اسپیشل کورس میں ہر دن ایک عنوان پر بات کی جا رہی ہے، چاہے وہ سیرت النبی، اور پھر دیگر ہر طریقے سے
मोहब्बत रसूल, खसाइल रसूल, और फिर इसी तरह आज की दर्स के जो उन्वान है शमाइल रसूल। तो बहरे कैफ हर दर्स में हम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हबीब पाक हबीबी किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ही कर रहे हैं। जैसा कि आपने बेशतर मोहब्बत रसूल की अहमियत, ताअत रसूल की अहमियत, अफादियत और शमाइल रसूल, इसका हम जो जिक्र कर रहे हैं उसका मकसद, ये तमाम चीज़ें आप हर नशे में आप इसकी अहमियत को भी समाप्त कर रहे हैं और इसकी फजीलत को भी जान रहे हैं। गुज़िश्ता में हमने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस यानी शमाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर गुज़िश्ता दो नशस्तों से हमने गुफ्तगू की। आज उसकी तीसरी कड़ी है, आज उसकी तीसरी नशस्त है। गुज़िश्ता में हमने इब्तिदा में आपको शमाइल नबी के मुतालिक उसकी माना और मफहूम को बतलाया और उस किसे कहा जाता है, और फिर उसके अंदर हमने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अतहर के यानी हसीन आज़ा के मुतालिक हम इब्तदा में गुफ्तगू की। इब्तदा तो हमने कुरान से की, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसमें खाकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को बतलाया, और फिर लैल यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों की कसम, और गुज़िश्ता में आपको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँखों की कसम, इस आँखों का जिक्र इस तरह कुरान से हमने आपको बतलाया था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, फिर इब्तिदा हम कुरान से करते हैं। जैसा कि गुज़िश्ता में बताया हमने कि खुतबा मसनूना में हमने जिस आयत करीमा की तिलावत फरमाई है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, मा कदबल फुआदु मा रा, यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कल्ब ने उसको झूठ ना जाना। तो मतलब ये है कि यहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर यानी कल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बात की जा रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़िश्ता में हमने आपकी बसारत के कमाल के मुतालिक जिक्र किया। अब उसके बाद कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अनवर का जिक्र भी किया जाता है। तो बहरे कैफ अगर हम देखें कुरान मजीद जो हुजूर अलैहि सलातु वसलाम पर एक बार में नाजिल नहीं हुआ बल्कि 23 साल की मुद्दत में जो है ना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। हजरत जबरील अलैहि सलाम के तवस्सुस से यानी उनके जरिए से जैसे जैसे जरूरत पेश होती कुछ आयतें, जैसे गए गुज़िश्ता में आपने सूरह अलक के ताल्लुक से सीरत में आपने देखा था कि हजरत क़िबला ने बयान किया कि सूरह अलक की इब्तिदा जो पहली 5 आयतें नज़िल हुई, तो इसी तरह कभी 5 आयतें, कभी एक सूरत, कभी 4 आयात, इस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर नाजिल होते रहे। तो ये जो नाजिल होना
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर यानी यसु कई हिकमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखता है। इसके अंदर कई हिकमतें इनमें से जो एक हिकमत बताई जाती है जो बहुत अहम है वो ये कि दिल जोई भी है यानी दिलों को जोड़ना है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल अज़ीज़ एक और मकाम पर इरशाद फरमाता है कذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا यानी ताकि हम उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को कवी यानी मजबूत रखें और हमने उसे बतदरीज नाजिल किया यानी मुख्तलिफ दौर के हिसाब से थोड़ा थोड़ा। अगर कुरान एक बारे में नाजिल कर दिया जाता तो अगर ये समझा जाए ला मुहाला अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो पैगाम देने का जो सिलसिला है जो 23 सालों का जो सिलसिला गुजरा है वो चंद ही लम्हात में ख़त्म हो जाता। तो कुरान मजीद को मुख्तसर थोड़ा 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 अलग अलग यानी स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे ज़रूरत पर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है नाजिल नाजिल किया गया। तो ये नाजिल किया जाना ये सबसे बड़ी यही हिकमत है कि इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पैगाम भेजने का जो ताल्लुक है जो सिलसिला है वो जारी रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात करने का जो मामला ताल्लुक है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब के सुकून का जरिया हो। फिर यही बात नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को भी मजबूती अता करें। पयाम हक के जो नाजिल होने का जो मामला है यानी जैसे इसे नाजिल होता था उसका जो कंडीशन है उसकी जो हिकमत और एक जो है ये कि ये अमल जो ये काम जो है हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब कल्ब मुतहर कल्ब अनवर को तकवियत का रखने का जो सो मौजिब बने यानी जरिया बने। तो इस हिकमत में गलबा जो देखने का जो गलबा है निकाह है मोहब्बत का है यही दिखाई देता है यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब के मुताल्लिक। फिर एक मकाम पर जिक्र किया फइन्नहु नज़लहु अला कल्बी का बिइज़्निल्लाह क्योंकि उसने तो ये कलाम आपके दिल पर अल्लाह ताला के हुक्म से उतारा है। तो यहाँ पर भी नुज़ूल कुरान के मुतअल्लिक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब अत्हर कल्ब अनवर को ही
मुर्दे सुखन बनाया गया है। तो यहां पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अत्थर के मुताल्लिक कुरान पाक में इस तरह जिक्र फरमाया गया। और फिर जैसा कि गुज़श्ता से हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसीन आज़ा के मुताल्लिक हम बात कर रहे हैं, गुज़श्ता में हमने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मान मुबारक, अबरोए मुबारक, और फिर यहाँ तक के आपकी पेशानी मुबारक और दहाने मुबारक, लुआबे मुबारक, इसका भी हमने जिक्र किया था। अब यहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आवाज मुबारक के मुताल्लिक हम बात करेंगे। गुज़श्ता में हम जुबान मुबारक के ताल्लुक से ही बात की थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जो कलाम निकलता, ऐसी फसी कि आपके सामने बैठने वाला हर शख्स मुतमईन होता आपकी बात से, यानी आपका गुफ्तगू का अंदाज भी इंतहाई शीरी, इतना मीठा कि इतना पुरसुकून, ना उसके अंदर जल्दी ना किसी किस्म की उसके अंदर जैसा कि लुकनत कहा जाता है या फिर जल्दबाजी कही जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर ऐब से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाक बनाया। तो इसी तरह आवाज मुबारक तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम जो है खूबसूरत आवाज के मालिक थे, यानी हर एक को, हर नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खूबसूरत आवाज से नवाजा। लेकिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सबसे ज्यादा खुबरू और खुश आवाज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में जरा गिरानी पाई जाती थी जो आपके सिफात, खूबसूरत सिफात में गिनी जाती। खुश आवाज होने के साथ साथ बुलंद आवाज इतने थे कि जहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पहुंचती और किसी की आवाज वहां तक ना पहुंचती थी। खास तौर पे जब खुतबा दिया जाता था तो खुतबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज मुबारक घरों में बैठी पर्दा नशीन औरतें भी सुनती थी, उन तक आवाज पहुंचती थी। उम्मुल्मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर रौनक अफरोज हुए, यानी मेंबर पर चढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजरीन से फरमाया, खुतबा सुनने के लिए बैठ जाओ। इस आवाज को हजरते अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो शहर मदीना में कबीले बनी गनम में थे, उन्होंने सुन लिया और इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामील में वहीं अपने मकान में ही दो जानों बैठ गए। इसी तरह
حضرت عبد الرحمن بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مینا میں خطبہ پڑھا، جس سے ہمارے کان کھل گئے، یہاں تک کہ ہم اپنی اپنی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک سنتے تھے. اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم آدھی رات کے وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قرآت سنا کرتے تھے، یعنی آپ کی تلاوت کو سنا کرتے تھے، حالانکہ مکان کے اندر سائی چار پائے پر ہوا کرتی تھی. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کا یہاں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کا ذکر ہوا، اسی طرح اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشتر، جیسا کہ بست مبارک، اس کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. قرآن مجید میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک کا بھی ذکر ہوا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک بتایا جاتا ہے، سر مبارک جو ہے بڑا، بیان بڑا تھا، یہ وہی سر مبارک ہے جس پر بعثت سے پہلے، یعنی بادل وغیرہ جو ہے نا سایہ کیے کرتے تھے. دائی حلیمہ کے پاس جب آپ پرورش میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک دور جگہ آپ جانا دیتی تھی، تو بہر کیف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہمیشہ کیا کرتی تھی، یعنی آپ بھول چوک نہ ہو. اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گردن مبارک ایک چاند کی طرح صاف شفاف تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ایسا کہ یعنی بالکل نرم گوشت کے ساتھ، یعنی گوشت والا ہاتھ. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم یا دیبا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفے مبارک سے زیادہ نرم نہیں پایا.
और ना किसी खुशबू को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से बढ़कर किसी चीज को पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक इंतहा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक कुशादा यानी चौड़ा था। इसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी जिक्र फरमाया, अलम नशरह का सदरक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिकम यानी पेट मुबारक और सीने मुबारक बराबर थे, यानी ना निकला हुआ था ना तो शिकम जो है सीने से और ना सीना शिकम से बलता। उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम मुबारक को देखा, गोया कागज है, एक दूसरे पर रखे हुए एक तह के हुए यानी घड़ी के हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुश्ते मुबारक यानी पीठ मुबारक, जैसे कि अभी कुरान की आयत जिक्र की, व रफ़अना लका ज़िक्र अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते मुबारक पीठ मुबारक इसे साफ सफेद थी गोया पिघलाई हुई चांदी। दोनों शानों के दरमियान एक नूरानी गोश्त का टुकड़ा था जो बदन शरीफ के बाकी हिस्से से जो है ना उभर के था, मोटा यानी फूल के, तो उसे मुहरे नबुवत या खातम नबुवत कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिंडली मुबारक, दो पाए मुबारक यानी गोश्त वाले पुरगोश्त और खूबसूरत, ऐसे कि किसी इंसान के न थे, और नर्म वो साफ ऐसे कि उन पर पानी जरा भी ना ठहरता बल्कि फौरन गिर जाता। एड़ियां कम गोश्त और पिंडलियां मुबारक बारीक सफेद और लतीफ, गोया के शहम व नखल यानी खजूर का गाभा है। जब आप चलते तो कदम मुबारक को कुवत और वक़ार और तवाज़ु से उठाते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक के ताल्लुक से बताया जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बहुत लंबे थे और ना कम खत थे, यानी मियाना मियाना रवि मोतादिल। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दराज कद न थे यानी लंबे नहीं थे बल्कि दरमियानी होने के सब औसत कद से ज्यादा थे, यानी थोड़ा सा मिडिल से थोड़ा सा ज्यादा, मगर जब लोगों के साथ होते तो सबसे बुलंद व फराज होते। हकीकत में यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिजा था कि जब अलाहिदा होते तो मियाना कद यानी दरमियानी कद के होते, और जब औरों के साथ चलते या बैठते तो सबसे बुलंद दिखाई देते थे, ताकि
बातिन की तरह जाहिर व सूरत में भी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मालूम ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कामत कद इसका साया ना था, कदो कामत का साया ना था। उसकी तायीद इस बात से होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारक में एक इस्म शरीफ नूर है। चुनाचे कुरान मजीद में सूरह माईदा में इसका जिक्र है, कद जाअकुम मिनल्लाह नूरुन व किताब मुबीन, अलबत्ता तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और वाज़ह किताब है। बात जाहिर है कि नूर का साया नहीं होता। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंगे मुबारक बात है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग गोरा और रोशन उतामा, मगर इसमें कुछ लाली हुआ करती थी, सुर्खी मिली हुई थी। बाज रिवायतों में आता है कि आपको अस्मरुल लौन यानी गंदम गुं लिखा है, उससे भी यही बात मुराद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिल्द मुबारक इंतहा नरम थी, जिल्द यानी स्किन इंतहाई नरम थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास सिफतों में ये भी था कि खुशबू लगाए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतन मुबारक से ऐसी खुशबू आती थी कि कोई खुशबू उसको ना पहुंच सकती थी। आपकी वालदा माजदा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मैंने गौर से आपकी तरफ निगाह की, देखती हूँ कि आप चौदहवीं रात की चांद की तरह है और आपसे तेज कस्तूरी की खुशबू आती है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने किसी कस्तूरी या अबीर को बुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये खुश तर ना पाया, उससे बेहतर कोई खुशबू नहीं पाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक की बात आती, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक के जो बाल होते हैं, मुए मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बाल ना बहुत घुंघरू घुंघराले थे ना बहुत सीधे, बल्कि दोनों के दरमियान थे। इन बालों की दराजी में यानी लंबाई में अलग अलग रिवायतें मिलती हैं, कानों तक, कानों के फिर निस्फ तक, फिर बाज कंधों तक भी बाज रिवायतों में। पहले कैफ अलग अलग तरीके से रिवायतें मिलती हैं मुख्तलिफ मौक़ के हिसाब से। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लिबास होता था यानी पहनाव, कपड़ा चादर कमीज तहमंद था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर कमीज यानी कुर्ती वगैरह जो कहा जाता है तहबंद, यमन की धारीदार चादरें जिनको अरबी में जबार कहा जाता है, सबसे ज्यादा उसको पसंद फरमाते थे। बाज मरतबा आपने ऊनी जुबा
उसको भी इस्तेमाल किया, जिसके आसीने इस कदर तंग थी कि वजू के वक्त हाथ आसीन से निकालने पड़ते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तक हमने बात के लिबास के ताल्लुक तक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तला से लेकर हमने गुफ्तगू के, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल के मुतालिक बात थी। जैसा कि हमने इब्तदा में आपको बतलाया, अब इसका मकसद क्या है और फिर पहले तो हमने आपको इसकी फजीलत से ताल्लुक से बता दिया। शमाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदा में हमने बताया आपको कि ये है क्या उन्वान शमाइल नबी से। इसका ताल्लुक हुजूर अली सल्लातु वसलाम की खास शख्सियत के ताल्लुक से ही बात होती है, यानी एक फितरी चीज है। अब इसको करना क्यों है, जिक्र क्यों रखा गया, एक फितरती बात है इंसानी कि किसी भी खूबसूरत की हुस्न का तज़किरा किया जाए तो दिल जो है ना बेइख्तियार उसकी तरफ खींचे जाता है, यानी उसकी तरफ तवज्जो बढ़ जाती है। तो जो हम ये मज़मून पढ़ रहे हैं, जो हम शमाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से, ये क्योंकि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना मोहब्बत में वालेहनापन ही, यही जो है ना ईमान की हकीकी कमाल और इताअत वो इत्तबा की सही बुनियाद है। इसीलिए भी इसका जिक्र जरूरी है। और फिर अब इसका जो मकसद है, कुरान मजीद की रोशनी में हमको मालूम होता है कि कुरान मजीद ने बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब बजाने लाने की तालीम की है। जैसे कि आपने बेशतर नशस्तों में आपने सुना है, हजरत कबला से बार बार आपने सुना कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब, खुद कुरान बताता है अपने आवाज़ों को नबी के आवाज़ से बुलंद ना करो, तुम्हारे आमाल हबत कर लिए जाएंगे, तुमको पता भी ना चलेगा। तो बहर कैफ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब को किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब बदा जलना चाहिए, खुद कुरान मजीद हमको तालीम देता है। और फिर जो इस्लाम के मुतबईन हैं उनको कुरान ने तलकीन फरमाई कि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम इंसान की तरह ना समझ, यानी आम इंसान समझकर उन्हें बुलंद आवाज से ना पुकारे। जैसे तुम आम जिंदगी में एक दूसरे को पुकारते हो, एक दूसरे को आवाज देते हो, पुकारते हो,
तो ऐसे करने वालों के लिए कुरान मजीद ने सख्त वाइद नाजिल फरमाई, जैसे कि अभी आपको आयत करीमा की तर्जुमा बताया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौक़ सौति नबी वला तजहरू बिल कौली कजहरी बादिकुम लिबादिन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरू। यानी ए ईमान वालों, अपनी आवाजों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से बुलंद ना करो, और उनसे इस तरह जोर से ना बोलो जैसे आपस में बोलते हो, कहीं तुम्हारे आमाल जाय ना हो जाए और तुमको खबर भी ना हो। यहाँ पर हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का वाकई याद आता है। बताया जाता है कि हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह मदीने मुनव्वरा एक मरतबा तशरीफ ले गए। वो इमाम जो अपने वक्त के बहुत बड़े ईमान, जिनकी इत्तबा आज भी एक बड़ा तबका करता है, जो शाफई मसलक कहा जाता है, जो आज भी उनके फिका को फॉलो करते हैं, वह ऐसे बुलंद पाया मकाम के इमाम, जब मदीने तैयबा में आप हाजिर हुए तो देखते हैं लोग कि इतने बड़े इमाम जब मदीने तैयबा में शहर आता है तो आप अपने पैर से अपनी जूतियों को उतार देते और बरहना पा इन बगैर चप्पल के आप मदीना शहर में चलते हैं। लोग देखते हैं कि मुसलमान का इतना बड़ा इमाम, इतने बड़े इमाम फकीह, एक जमाना उनकी इत्तबा करता है, उनके फिका को फॉलो करता है, उनका ये मामला है। बहे कैफ आपके मुतकिदीन ने आपसे बाद में सवाल किया कि हजरत क्या मामला है, और तो हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तुमको पता नहीं कि अल्लाह का हुक्म क्या है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौक़ सौति नबी वला तजहरू बिल कौली कजहरी बादकुम लिबादिन तहबत आमालुकुम अंतुम ला तशऊरून। के ईमान वालों, अपनी आवाज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद न करो, कहीं तुम्हारे आमाल बर्बाद हबत ना कर लिए जाए, तुमको पता भी ना हो तो मैं कैसे अपनी चप्पल की आवाज वहां पर कर दूं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं मेरी चप्पल की आवाज ना पहुंच जाए। तो ऐसे कमाल दर्जे का तकवा, ये अदब मुस्तफा को प्रैक्टिकल उन्होंने बताया। तो बहरे कैफ ये आयत के जिमन में वाक़ याद आया तो आपके गोश गुजार किया। अब शमाइल मुस्तफ़ा के मकसद की जानब आ जाते हैं, चूंकि अब गुज़श्ता दो ये तीसरी नशिस्त है हमारे जो कि शमाइल मुस्तफ़ा के उन्वान के तहत चल रही है। हमने मुख्तसर सा सरसरी तौर पर, बल्कि मुजमल कहें इजमालन, हमने आपके सामने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक के हसीन आज़ा के मुतालिक मुख्तसर से ही गुफ्तगू की थी। अब वक्त हमारा काफ़ी होने जा रहा है, अब अय्याम इख्तिताम को पहुंच रहे हैं। ये गोया हमारी शमाइल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उन्वान के आखिर नशिस्त है।
इसीलिए हम आज इस मकसद को बताकर आज के इंसिस को यहीं पर मौकूफ करते हैं। देखिए उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब का तरीका करीना सिखाया गया। यानी इस आयत के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब का तरीका सिखाया जा रहा है, बतलाया जा रहा है कि वो अपनी आवाजें भी इस बारगाह बेकस पनाह में पस्त रखे यानी नीचे रखे। इस जरा सी लग्जिश अगर हो गई उससे वाला उनके आमाल जो है ना तबाह वो बर्बाद हो जाएंगे और उन्हें उसकी खबर भी ना होगी। तो शमाइल के बाब में कुरान मजीद के इस बुनियादी नुक्ते को जहन नशीन कराना चाहता है। कुरान मजीद इस नुक्ते को जहनों में बिठाना चाहता है कि अहले ईमान के दिलों में कुलूब में अदम मुस्तफ़ा, हुर्मत मुस्तफ़ा, एहतराम मुस्तफ़ा, ताजीम मुस्तफ़ा बदर्ज अतम ऐसा बैठ जाए, जांगजी हो जाए और वो हुजूर अली सलातु वसलाम की ज़ाते मुबारका की तज़ीम और तकरीम एहतराम को खुले दिल से बस रहे सदर अपनी जिंदगी का गुजारने का मकसद या हयात बना दे। इश्क व मोहब्बत का वो मकाम जहाँ जुनैद और बायजिद भी इस बारगाह बेकस पनाह में सरापा अदब और दम बखुद नजर आते हैं। हर बंदे मोमिन के ईमान का मरकज व महवर भी यही होना चाहिए। अब चूंकि फितरी तकाजा है जिस चीज की बात की जाए उसके ताल्लुक से दिलों में जो है ना उन्स पैदा होता है। तो अब यहाँ पर जो इस उन्वान को हजरत कबला की जानिब से छूने का मकसद ये हमारे सामने वाजे होता है कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनकी ताजीम व इकराम में और यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी मीठी सुन्नतों को अपना कर दिलों को इस तरह जिंदा जावेद बनाए कि जाहिर गर जिस्म से तन से रूह में जुदा हो जाए लेकिन इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारने वाली ऐसी रूह ऐसी मोहब्बत हमारे पास पैदा हो जो कि हमें उखरवी जिंदगी में हमको हुज्जत बन सके। बहरे कैफ ये जो हमारा उन्वान शमाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत हुआ है इसका मकसद हमें यही मालूम हुआ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हम हुस्न मुबारक का जिक्र किए तो तसव्वुरात को समेटे तसव्वुरात को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानी मोड़े और हमारा
उठना बैठना, बल्कि हमें हजरत कबला की जानिब से प्रैक्टिकली और थ्योरिकली हमें यही तालीम हर जगह मिलती है। अब यहाँ पर बज़ाहिर जैसा कि आपने जुबानी तौर पर आपने इसको सुना है, लेकिन जब हजरत कबला के संगत में उठना बैठना जब हमार होता है, तो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फना होने का यानी हमको मकाम मालूम होता है कि किस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूबा जाता है। हम बज़ाहिर हम सिर्फ लफाजियों में बातों में सुनते हैं कि इश्क मुस्तफ़ा मोहब्बत मुस्तफ़ा, लेकिन हकीकत को कोई नहीं जानता। घर से अहले इल्म भी इसमें शुमार होते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली तौर पर हजरत कबला के पास जाते उठते हैं बैठते हैं, तो इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उठना बैठना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसव्वुरात में याद में मुनहमिक होना, यहाँ तक के जब कोई कलाम भी पेश होता तो उस वक्त भी इस तरह उसकी समातों की नजर में होते कि गोया के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हो। तो बहरे कैफ कहने का बतलाने का मकसद हासिल कलाम यही कि हमारा ये जो मकसद है कि हम अपनी जिंदगी को यानी अपने आप के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत को अपने दिलों में बिठाएं और हर लम्हा ऐसे गुजारें कि ये जो हम अमल कर रहे हैं तो वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस अमल करने में क्या मुआमला था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अदा किया। जैसे कि अगर कोई नमाज भी अदा करता है तो हमको ये फोकस करना है कि आका ने कैसे नमाज अदा की। हमको अगर कोई भी नेक काम कर कोई भी नेक का काम हो भले का काम, पहले हमको ये फोकस करना है कि आका ने उसको कैसे अंजाम दिया है। तो बहरे कैफ हर तरीके से हर गोश में से सिर्फ आपको एक मिसाल दिया है, आप हर गोश में हर मामले में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मद्देनजर रखते हुए जिंदगी को गुजार रहे हैं। आज की इस नशिस्त का शमाल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही उन्वान से यही पैगाम है। हो सकता है इसके बाद क्यों ना अगले नशिस्त जो इस सेशन के आखिर नशिस्त भी होती होगी, हमारे तो ये आखिर नशिस्त है, इसके बाद की नशिस्त आखिर नशिस्त होगी। तो आहा अल्लाह के बारे में हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हमने जो कुछ भी पढ़ा है या रब्बुल आलमीन सुना है कहने सुनने में दानिश नादरी सा कोई भी हमन से गलती सरजद हुई तो अपने फजल से मुआफ फरमा या रब्बुल आलमीन, तो अपने फजल से मुआफ फरमा या रब्बुल आलमीन। हम तमाम को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी मीठी सुन्नतों का अपनाने की तौफीक अता फरमा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब अता फरमा।